जी इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम मकाम फैजाबाद पर, जहां साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इस वक्त आप मुख्तलिफ फोर्सेज हैं उनकी भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और फ्रंटियर कोर के जो नौजवान हैं वो इस वक्त यहाँ पर तैनात है। और अब से कुछ देर पहले जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की जानिब से जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो इस्लामाबाद की तरफ दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तो इस दौरान यहाँ पर भारी शेलिंग भी की है अब से कुछ देर पहले। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कारकुनान की जानिब से भी जलाओ घेराव किया जा रहा है, मुख्तलिफ टायर्स और जो झाड़ियाँ हैं वो जलाकर वो यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर गरम बरम हो चुका है। यहाँ पर पुलिस के पास जो शेल्स हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो लाठियाँ हैं वो भी इनके पास मौजूद हैं। अलबत् यहाँ पर जो कारकुनान है वो इस्लामाबाद से दिल्ली की तरफ हो या मरी रोड की जानब से इस्लामाबाद की तरफ हो, उनको दाखिले की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुंतशर करने के लिए वाटर कैनन की जो गाड़ियां हैं वो भी यहां पर मंगवा ली गई है। पुलिस की भारी नफरी यहां पर तैनात है और इस वक्त इस्लामाबाद का जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर फैजाबाद के मकाम पर हम ये कह सकते हैं कि रातों का शिकार है। लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ मुतबादल जो रास्ते हैं वो इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की गई है शहरियों से। और इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ आग बुझाने का सिलसिला जारी है।